हमारी बेटी जाके जन्म मार देंगे। अरे बाप रे बाप, कोचिंग जाने के टाइम में गोली लगा है। ये मृतिका है, इसकी पहचान हुई क्या? हाँ, पहचान हो गई है। क्या नाम है इसका? अनामिका कुमारी। कहाँ की रहने वाली है ये? नदवा काजीचक। इसका नाम, इसके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है कमलेश कुमार। हत्या अपराधी कहाँ फरार हो गए क्या? फरार हो गया। घटना से कहाँ है? मनीचक। कितनी गोली मारी गई है? एक गोली। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो हो गई। क्या कार्रवाई क्या होने जा रही है? परिजन आने के बाद। अभी परिजन नहीं आए हैं सर? नहीं पहुंचे हैं। लड़की यहाँ आई थी, इसको गोली मार दिया गया था क्या? मतलब हॉस्पिटल आने के बाद क्या मृत कौन घोषित किया? ये तो जो लेके आया था वो, हम जब देखने गए तो कुछ नहीं था, लेकिन वही बोला कि मरी हुई थी वहाँ पर, रोड पर गिरी हुई थी, मरी हुई अवस्था में रोड पर गिरी हुई थी। 112 वाला उठा के लगा थे। ये यहाँ मैंने जांच किया तो सही में मरी हुई थी। जांच उपरांत क्या पाया आपने? नहीं था ना हाथ चल रहा था ना कुछ चल रहा था, पूरा वो चेहरा पर अभी तक हेलमेट था। मसौढ़ी थाना अंतर्गत में आज दिनांक 11 दिसंबर की बात है कि मनीचक मोड़, एक यहाँ पे जो एक अहम मोड़ पड़ता है, वहाँ पर ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़की की जो है लाश बरामद हुई है। जैसे सूचना के उपरांत तुरंत थाना की गाड़ी जो है वो पहुँची है, तो उसमें ये पता लगा कि जो लड़की थी वो लगभग 16 साल की एक लड़की थी, जिसको सर पे हेड पे एक क्लोज शॉट में एक गोली मारी गई है। इसके तुरंत उपरांत में हमने लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अभी जो है उसकी पहचान के बिंदु पर हमें सब जारी है, और जैसी पहचान हो जाएगी, जैसे ही अन्य बिंदु जो उल्लेख हो जाएंगे, उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। कितने हत्यारे थे उसमें? अभी तक हत्यारे क्लियर नहीं हुआ है, बाकी अब छानबीन अभी जारी है और हम जितने भी लोगों का नाम आएगा सामने उन सबकी हम तहकीकात करेंगे।